हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, जो टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें खुद ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। और देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्डिंग कैसे तैयार होगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर, तभी तो बिल्डिंग कहते हैं कि ये ढांचा है बिल्डिंग का। अब वो कैसे बनता है, अब हमें पता है कि उसके लिए हमें ब्रिक्स चाहिए होंगे, कॉन्क्रीट्स चाहिए होंगे, रॉड चाहिए होंगे, है ना, सीमेंट, बालू, ईंट, ये सब चाहिए होगा, तभी तो वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा। तो हम कहते हैं बिल्डिंग रेडी हो गई। मतलब कोई भी चीज़ रेडी करने के लिए वो किन चीज़ों से मिलकर बनेगी, उसी से उसका स्ट्रक्चर फ्रेम होता है। जैसे बिल्डिंग के लिए क्या स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया कि ये चीज़ें हैं, ब्रिक वगैरह ये सब है, ये सब जब बन जाएंगे, उनको सही से सेट कर देंगे तो पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल। अब यहाँ पे जो कैपिटल की बात की जा रही है या जिस कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, वो कैसी है, परमानेंट कैपिटल की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे ऑपरेशन के लिए होता है, जबकि परमानेंट कैपिटल जो हमेशा आपके बिजनेस को जो स्ट्रेंथ देता है कि ये इनकी परमानेंट कैपिटल जो पूरे टर्नओवर और बाकी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली परमानेंट कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट कैपिटल होती है। तो बात हम यहां पे कर रहे हैं कि इस परमानेंट कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, मतलब ये जो परमानेंट कैपिटल है, ये जो कैपिटल आपके बैलेंस शीट में दिखता है लायबिलिटी साइड में, इस कैपिटल को कैसे रेडी किया जाएगा, इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाएगी, राइट। तो अब आपको पता है कि कैपिटल, जब आप अगर आप न्यूमेरिकली भी सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे बैलेंस शीट में कि आप कैपिटल में क्या क्या चीज़ लिखते हैं, डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, ये सब आप क्या करते हैं, लिखते हैं कि ये सब कैपिटल के पार्ट हो गए। तो मतलब इन सब चीज़ों को ही सही से मैनेज करना और इनसे पूरी फ्रेम तैयार करना ही क्या कहलाएगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाती है। ये तो हम आपको लिटरल मीनिंग बता दिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको जो डेफिनेशन वाइज और बाकी चीज़ों की तरह से कहा जाए तो कैसे कहा जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिफर करते हैं, प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल कैपिटल की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, उस टोटल कैपिटल को पाने के लिए, उसको फाइनेंस कराने के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, है ना, उनके प्रोपोर्शंस को सही से फिक्स करना ही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। लॉन्ग टर्म सोर्स क्यों कहा जा रहा है, लॉन्ग टर्म सोर्स याद रखने की चीज़ है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स को करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये परमानेंट कैपिटल है और परमानेंट कैपिटल मतलब ये जो बिजनेस में बनी रहेगी, तो ये हम शॉर्ट टर्म पर्पज़ के फाइनेंस से तो ले नहीं सकते। अब जिस पैसे को आपको पता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद मैं वापस कर पाऊंगा, इस कैपेबिलिटी में मैं हो पाऊंगा, उसके लिए आप किसी से जब पैसे लेने जाओगे तो उसे ये तो नहीं कहोगे कि हम 6 महीने में आपको पैसा वापस कर देंगे। बट ऑब्वियसली बात है, वो ऐसी जगह से पैसा लेने जाओगे जो आपसे बोले कि आप 15 साल, 20 साल बाद मुझे पैसा वापस करिएगा, क्योंकि आप परमानेंट ले रहे हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई, यहाँ पे जब इस कैपिटल को इकट्ठा करना है तो कौन सा सोर्स होगा, लॉन्ग टर्म सोर्स होगा, क्योंकि इस पैसे को जो रिपेमेंट पीरियड है ना, वो बहुत लंबा होता है, 20 साल, 15 साल, 25 साल, इस तरह का होता है। तो अब आप इस लॉन्ग टर्म सोर्स में कहाँ से पैसे रेज करोगे और किन से लेके किसको कितना प्रपोर्शन फिक्स करोगे और अपने कैपिटल को रेडी करोगे, कैपिटल का जो ढांचा है वो तैयार करोगे, दैट इज़ ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं, आरएच वेसल की डेफिनेशन, रॉबर्ट वेसल की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस इंटरप्राइजेस। सेम चीज़ उन्होंने भी कही कि बिजनेस इंटरप्राइजेस में जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनको सही प्रोपोर्शन में उनको स्ट्रक्चर करना ही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की पूरी मीनिंग क्लियर हुई होगी कि बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चरिंग करना है कैपिटल की। अब ढांचा बनाना है तो किन किन चीज़ों से ये कैपिटल रेडी होगी, उनको सही से मिक्स करना ही क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही होता है जब हम प्रॉपर तरीके से उस प्रोपोर्शन को फिक्स कर पाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के मेन सोर्सेस क्या है। अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात हम बार बार करते हैं तो मेजर सोर्स क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर को रेडी करने का, तो मेजर सोर्स क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, एक होता है आपका प्रोप्राइटर्स फंड, जिसको हम कहते हैं ओनर्स फंड या इक्विटी फंड्स, राइट। तो प्रोप्राइटर फंड्स में जो पैसे लाएंगे तो कहाँ कहाँ से आएंगे, मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल से ले आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, रिजर्व एंड सरप्लस से या रिटेन्ड अर्निंग, तो ये सबसे जो आ गया वो उसको क्या गया, प्रोप्राइटर्स फंड, यहाँ से कैपिटल आया। और दूसरा मेजर सोर्स क्या है लॉन्ग टर्म फंड का, बोरोड फंड, मतलब उधार लेना, लोन लेना, जिसको हम
डेब्ट कहते हैं। तो अब डेब्ट कैसे आ सकते हैं आपका, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू किया हो, डिवेंचर्स इशू किए होंगे, ये सब कहाँ पे आ गए, बोरोड फंड में आ गए। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर जो आप रेडी करने वाले हो, जो कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग तैयार करने वाले हो, ये स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, या तो प्रोप्राइटर फंड से मिलेगा या तो बोरोड फंड से मिलेगा, मतलब या तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व मतलब रिटेंड अर्निंग, या डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबसे रेडी होगा। इनसे जब पूरा तरीके से आप रेडी कर लोगे तो ये आपका कैपिटल रेडी हो गया, और दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कैसे लेते हैं कि मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखानी है हमें, वो क्या दिखानी है, 100 करोड़ की दिखानी है। क्योंकि देखिए आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं, और फाइनेंशियल मैनेजर हैं तो आपको आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल चाहिए, किस कैपिटल से ओनर्स को ज़्यादा फायदा होगा, मीन्स शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली आप डिसाइड कर रहे हो कि कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो आपने कहा कि कैपिटल को 100 करोड़ की चाहिए, ये बात कितनी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, जो आपको ये बात कौन बताता है, आपको कैपिटलाइजेशन बताती है, जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो कैपिटलाइजेशन से आपने ये डिसाइड कर लिया कि 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताने वाली है कि किन किन चीज़ों से इस कैपिटल को रेडी करो। तो आपने रेडी क्या कर लिया, आपने कहा इस 100 करोड़ के कैपिटल को हम क्या करते हैं, हम डिवेंचर से ले लेते हैं, मतलब बॉन्ड से ले लेते हैं, हम इक्विटी शेयर से ले लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर से ले लेते हैं। तो आपने क्या रेशियो फिक्स कर लिया कि ये जो आपकी 100 करोड़ की कैपिटल है वो 40% आपने लॉन्ग टर्म डेट से ले लिया, 10% आपने प्रेफरेंस शेयर से करवा लिया, 50% आपने इक्विटी से कर लिया। तो 50 + 10 + 40 कितना हो गया, 100 हो गया। तो मान लो 100 करोड़ की कैपिटल थी, तो 100 करोड़ की कैपिटल के लिए आपने 40 करोड़ के लिए बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर लिए, 10 करोड़ का आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया, और 50 करोड़ के आपने इक्विटी शेयर इशू कर लिए। ये आपने सभी का प्रोपोर्शन सेट कर लिया, और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार, कैपिटल रेडी, 100 करोड़ की कैपिटल तैयार हो गई। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब हो गया डेब्ट आया, प्रेफरेंस शेयर आया, और इक्विटी आया। दैट इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बहुत सारी थियरीज भी दी गई हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो थियरीज भी आपको यही बताने वाली हैं कि किसको रखिए आप, डेब्ट को कितना रखना चाहिए, इक्विटी को कितना रखना चाहिए, किससे आपके फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो वो थियरीज आपको बताने वाली हैं कि इस स्ट्रक्चर को किसको किसको कैसे लाइए आप, ठीक है, उसके लिए हम थियरीज पढ़ेंगे। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है, जिसकी मीनिंग हमने यहाँ पर देख ली। अब हम बात करते हैं इसकी नीड, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की, आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, राइट। फाइनेंशियल मैनेजर हैं आप, स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करने वाले हैं कि आपको आपके बिजनेस में क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बाकी सब चीज़ें आपके शेयरहोल्डर्स की वेल्थ, सब इसी से डिपेंड करने वाली हैं। तो ये डिटरमाइन करता है कि फर्म कितना रिस्क एज्यूम कर रही है। इसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर को, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए रिस्क, आपको पता है बिजनेस में रिस्क और रिटर्न का सबसे मेन रोल होता है, मेजर रोल होता है। जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, जो कम रिस्क लेता है वो रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करता है, है ना। आप रिस्क लोगे तो आप प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहोगे। तो आपकी फर्म किस तरह का रिस्क एज्यूम कर रही है, क्या वो ऐसे आपकी जो बिज़नेस है, जिस बिज़नेस के आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हाई रिस्क एज्यूम करने के लिए रेडी है। अगर वो हाई रिस्क एज्यूम करने के लिए रेडी है तो बट ऑब्वियसली बात है वो हाई रिटर्न देने के लिए भी रेडी होगी। तो उस केस में उसके लिए हमें उस तरह का फंड का सोर्स ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर रिस्क के साथ साथ प्रॉफिट के भी चांसेस या रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये डिटरमाइन करती है कि फर्म किस कैपेबिलिटी में है, उसकी स्टेटस क्या है रिस्क को एज्यूम करने की, वो ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में है भी या नहीं है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से आप ये डिसाइड कर पाते हो, इसलिए भी ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको रोकता है ओवर या अंडर कैपिटलाइजेशन के सिनेरियोस से, मतलब ये आपको बचाता है वहाँ से। देखिए कैपिटलाइजेशन मतलब क्या हो गया था, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए टोटल कितना कैपिटल चाहिए, ये कौन बताता है, कैपिटलाइजेशन। अब आपने अगर बिजनेस शुरू कर दिया, जिस भी अमाउंट ऑफ कैपिटल से आपने बिजनेस शुरू किया, क्या वो ऑप्टिमम है, ऐसा तो नहीं कि जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा की कैपिटल आपने रख ली है बिजनेस में, या जितनी की ज़रूरत है उससे कम की कैपिटल आपके बिजनेस में है, क्योंकि दोनों सिनेरियो सही नहीं है, ओवर या अंडर दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न से रिलेट करता है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखेंगे कैपिटलाइजेशन को तो आपको वहाँ पे क्लियर होगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की कंडीशन में है कि नहीं है। आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा कैपिटल एज्यूम कर ली और ज़्यादा सोर्सेज से फंड क्रिएट कर लिया, आप ओवर में आ गए, या आपने कम कर लिया आप अंडर में आ गए, वो आपको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर देता है। तो ये ओवर और अंडर की कैपिटलाइजेशन की सिनेरियो से भी आपको बचाता है, इसलिए भी ये ज़रूरी और ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, ये डिटरमाइन करता है फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए बीइंग एन फाइनेंशियल मैनेजर, जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने का, वो क्या होना चाहिए, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था
फाइनेंशियल मैनेजर का क्या था, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब, क्योंकि फर्म की वैल्यू को बढ़ाना, फर्म की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब हो गया शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को आप बढ़ा सकें और जो कैपिटल की कॉस्टिंग है, कैपिटल, उस कैपिटल को पाने के लिए जो खर्चा लगने वाला है, जो पे करना है कॉस्ट, वो कम हो। मतलब बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर आपको वेल्थ को इनक्रीज करना है और कैपिटल की कॉस्टिंग को मिनिमाइज करना है, ये आपका मेन एम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप जब ये डिसीज़न लेने वाले हैं तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस सोर्सेस से फंड ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा आ रही हो, क्योंकि आपको हमेशा क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रखना है। कैपिटल को पाने के लिए जो आपको पे ऑफ करना है वही कॉस्ट हो गई, तो जो पे करना है ना वो मिनिमम होना चाहिए। तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हो कि फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी जा रही है, क्योंकि आप ही तो प्रोपोर्शन फिक्स करने वाले हो, आप ही बताने वाले हो कि डेट से इतना पैसा ले लो, इक्विटी से इतना ले लो, रिटर्न से इतना रख लो। तो आप जो ये ले आ रहे हो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, अलग अलग जो आप मटेरियल लेके आ रहे हो, वो आप ही तो डिसाइड कर रहे हो। तो आपको ये डिसाइड करते वक्त ध्यान रखना है कि कैपिटल जो हो, जो कॉस्टिंग पड़ने वाली है इनको पाने की, वो कम हो, मिनिमम हो। तो इसलिए भी कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हो गया, इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ वाइल मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हमने डिस्कस किया कि आप इससे बेसिस पे कैपिटल स्ट्रक्चर का सही से फॉर्म करके, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रख पाते हैं। तो अब आपको स्ट्रक्चर को हेल्प, स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए जो हेल्प करता है ना, वो थ्योरीज ही हेल्प करती हैं आपकी, जो हम आगे डिस्कस करते हैं करेंगे। और क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करता है, फर्म के लिक्विडिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप इस स्ट्रक्चर को बढ़ा सकें, घटा सके, मींस कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करना है तो डिवेंचर्स को रिडीम कर देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा। इंक्रीज करना है तो नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या नए बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपको कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी के ऑप्शंस हों। मतलब आप उसे, अब आप सबके सब इक्विटी शेयर कैपिटल से लेके आ गए, सारे के सारे इक्विटी शेयर कैपिटल्स, अब आपको और आपको कैपिटल को रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, खर्चे ज़्यादा पड़े, आपको रिड्यूस करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल्स को कैसे रिडीम कर पाओगे, तो प्रॉब्लम आई ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई। पर अगर आपने वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवेंचर होल्डर्स को भी रखा हुआ है, तो जब अगर आपको ऐसा सिनेरियो पड़े कि आपको इसको रिड्यूस करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपको रिड्यूस करना है, तो इस केस में आपको ऑप्शन है, आप डिवेंचर होल्डर्स को पे ऑफ कर दीजिए, लोन को पे कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करवा दीजिए, आपकी कैपिटल कम हो गई, तो रिड्यूस हो गई आपकी। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, राइट। और इट अफेक्ट्स द कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर जो ओनरशिप है ना, उसको भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है। ओनरशिप को क्यों इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनके पास ओनरशिप होती है। अब अगर आपने स्ट्रक्चर में मैक्सिमम पोर्शन, जैसे अभी हमने क्या देखा था, 40, अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे 100 करोड़ में हमने 40% डेप्ट रखा था और 60% बेसिकली 50% इक्विटी का, 10% आपके प्रेफरेंस शेयर्स का हमने शेयर होल्डर्स को रखा था। तो ओनरशिप हमने कहाँ रखी थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 50% की ओनरशिप हमने उनको दे दी थी, है ना। तो आप जब वो स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल ओनर्स के पास रहना चाहिए। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रोपोर्शन इतना रहना चाहिए कि ओनरशिप वो ना खोने पाए। अब अगर स्ट्रक्चर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया जहाँ पे ओनरशिप को इफेक्ट कर दिया, आपने 60% डेप्ट रख दिया, 40% इक्विटी रख दिया, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, इन दैट सिनेरियो आपकी ओनरशिप जाएगी, है ना, कंट्रोल ऑफ ओनरशिप आपकी इफेक्ट करेगी। तो स्ट्रक्चर जो है ओनर्स के कंट्रोल को भी इफेक्ट करता है। आप अपना जब स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे तो उसके बेसिस पे ओनर्स का कंट्रोल है या नहीं, ये डिसाइड हो पाएगा, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको डिटरमाइन करने पे वो आपको अफेक्ट करने वाले हैं। आप जब प्लान कर रहे हो कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो बहुत केयरफुली इसको डिज़ाइन करना पड़ता है ना, इस डिसीजन को बहुत केयरफुली लेना पड़ता है। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज का इम्प्लीकेशन है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएट इसको चेंज कर सकते हो, आपने एक बार जो कर लिया वो 15 साल 20 साल के लिए हो गया। तो अगर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है उन सोर्सेज का, तो बट ऑब्वियसली उनका डिज़ाइनिंग भी ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पैक्टफुल हो और ऑप्टिमम हो। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने जा रहे होगे, ठीक है। ये होता है फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस का क्या मतलब हो गया, आप किस नेचर के बिजनेस में हो, आप पब्लिक कंसर्न्स में हो, प्राइवेट कंसर्न्स में हो। साइज ऑफ बिजनेस इन द सेंस, आप स्मॉल बिजनेस को हो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा बड़े लेवल पे है, तो उस हिसाब से आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्मॉल कंपनीज को बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे मेनली जो
कैपिटल होती है ना वो ओन्ड कैपिटल होती है, क्योंकि स्मॉल कंसर्न्स हैं तो वहाँ पे आप बहुत लोन वगैरह ले लोगे तो वो रीजनेबल नहीं होता है ना, आप उनको पे ऑफ करने में प्रॉब्लम आती है। तो स्मॉल बिजनेस कंपनीज मैक्सिमम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रखती हैं, ओन्ड कैपिटल रखती हैं। ओन्ड कैपिटल का मतलब हो गया कोई आपका प्रेफर्ड वाला जो इक्विटी वगैरह हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इनके थ्रू वो रखती हैं, क्योंकि ओनरशिप उनकी मेंटेन रहे, क्योंकि वो स्मॉल बिजनेस कंसर्न है, वो मैक्सिमम लोन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बड़ी बिजनेस कंसर्न है तो वो क्या करती हैं, वो कैपिटल ओन्ड कैपिटल के साथ साथ वो जो ओन बोरोड फंड है ना उसमें भी हैवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रखती हैं, है ना। उसी की तरह अगर हम बात करते हैं पब्लिक या प्राइवेट्स की, अगर आप पब्लिक नेचर की यूटिलिटी हो तो उस केस में आप क्या करते हैं, डेब्ट को ज़्यादा एम्प्लॉयड करते हैं। डेब्ट को क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे, रेगुलरिटी ऑफ अर्निंग होती है, मतलब आपको पता है कितना इतना, आपको पता है कि इतनी इनकम मुझे आती रहेगी और मैं डेब्ट का पेमेंट कर सकता हूँ, है ना। डेब्ट के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, अगर आप डिवेंचर इशू करते हो तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, अभी हम देखते हैं। एक तो मेजर सोर्स होता है टैक्स, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो मान लीजिए अगर आप पब्लिक यूटिलिटी हैं और आपको पता है कि आपको एक रेगुलर नेचर ऑफ अर्निंग है, तो अगर आपको रेगुलर नेचर ऑफ अर्निंग है, इनकम में स्टेबिलिटी है, तो आप डेब्ट का पेमेंट भी रेगुलर बेसिस पे कर पाओगे, उनके इंटरेस्ट का पेमेंट रेगुलरली कर पाओगे, इन दैट केस आप डेब्ट के प्रोपोर्शन को ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूटिलिटी हो और आपको आपकी इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल अर्निंग नहीं है, इन दैट सिनेरियो आप इक्विटी कैपिटल को प्रेफर ज़्यादा करोगे, आप प्रेफर्ड आप बोरोड कैपिटल को प्रेफर नहीं कर पाओगे। तो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस डिसाइड करेगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब हो गया, देखिए कैपिटल को पाने की जो कॉस्टिंग है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट किसी चीज़ की क्या होती है, आप एक कपड़े खरीदने जाते हो तो कहते हो कि ये इतनी कॉस्ट का, इसका मतलब उस कपड़े को पाने के लिए कितना आपने पे किया है, वही आपके लिए कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब हो गया, इस कैपिटल को पाने के लिए आपको कितना पे ऑफ करना है ना, कितना पे करना है। एक नज़रिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ये हो गया। दूसरा नज़रिया समझिए, इन्वेस्टर वो आपको कैपिटल जब दे रहा है तो वो कितना उम्मीद कर रहा है कि इतना आप उसको हर बार पे करोगे, मतलब वो कितना रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, वो मिनिमम रिटर्न जो एक कंपनी को अर्न करके पे करना ही है, इतना तो उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस कैपिटल को पाने के लिए उसको इतना तो पे ऑफ कैप कॉस्ट करनी करनी, इतना तो रिटर्न उसको इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना ही करना है। इसका मतलब मिनिमम रिटर्न जो उसको अर्न करना मैंडेटरी है उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल को पाने का जो कॉस्टिंग आपको लगनी, जिसका पे करना है, जैसे कि डिवेंचर आपने लिया तो डिवेंचर्स को, अगर आपने डिवेंचर होल्डर्स डिवेंचर्स इशू किए तो अब उनको क्या पे करना पड़ता है, आपको उनको आपको हर बार इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आपने 15% के डिवेंचर इशू कर दिए हैं, इसका मतलब हर बार आपको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप उस डिवेंचर से इतना तो कमाओ कि कम से कम 15% तो निकल जाए, है ना, क्योंकि 15% की तो कॉस्टिंग है, इतना तो पे करना ही करना डिवेंचर होल्डर को, हर बार इंटरेस्ट पे करना होगा। तो कम से कम उस डिवेंचर का पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट करो कि कम से कम 15% का रिटर्न तो आपको मिले, मिनिमम रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रिटर्न भी कहते हैं, कि मिनिमम रिटर्न जो एक कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इतना तो उसको पाना ही पाना है, जो उसको पे ऑफ करना है इन्वेस्टर्स को, राइट। तो अब क्या हो गया कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कितना अर्न कर पाओगे, मतलब आपकी आपकी क्या कैपेबिलिटी है। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी हो, मिनिमम हो, जिससे वो आराम से उसको जितना भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स का है वो उसको सेटिस्फाई कर पाए, इन्वेस्टर्स का उनको पे ऑफ करे। अगर एक कंपनी ने कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया, इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आ रही है वो 7% की आ रही है, और एक कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसा डिसाइड किया कि जो उनकी कॉस्टिंग आ रही है वो 10% की आ रही है, अब मान लो इन्होंने उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, भी कैपिटल रखने के लिए तो है नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट करोगे। अब आपने उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया वहाँ से 10% का रिटर्न आता है, तो जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% की थी, जिन्होंने 7% का रिटर्न देना था उनके लिए तो ये अच्छा हो गया कि 7% दे दो और 3% का प्रॉफिट कमा लो, और जिनकी 10% की कॉस्टिंग थी, मतलब उनको 10% रिटर्न करना था, तो अब उस कैपिटल से 10% कमा रहे हैं और 10% उनको क्या कर देना है, पे कर देना है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपने डिज़ाइन किया कि 10% का कॉस्टिंग आ रही है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपने डिज़ाइन किया 7% की कॉस्टिंग आ रही है, बेटर कौन सी है, जहाँ पे 7% की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जिसकी मिनिमम आ रही है आप पूरा डिज़ाइनिंग ऐसा करिए, स्ट्रक्चर ऐसा मेंटेन करिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आने वाली हो कैसी हो, मिनिमम आने वाली हो, राइट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए, राइट।
नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। तो कंट्रोल में क्या हो गया, कंट्रोल में होता है कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो क्या, वो ये नहीं चाहती है कि वो अपना कंट्रोल जो है कंपनी से लूज़ करे। बेसिकली क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास पावर होती है, वोट करने की पावर होती है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर होती है, उनके पास ये सब राइट्स होते हैं, वो कई बिजनेस के मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो इन दैट केस वो ये चाहते हैं कि जो फंडिंग है ना, फंडिंग इस तरह से रहे कि उनकी ओनरशिप पे कोई इफेक्ट ना आने पाए। तो जब भी आप न्यू इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू करते हैं उनके फंड्स के थ्रू, तो क्या होता है कंट्रोल जो है वो कहीं और जाने के चांसेस होते हैं, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल रहता है। तो जो शेयर होल्डर्स का पूरा ग्रुप होता है ना, तो वो क्या करता है, वो नए शेयर्स को खुद ही परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है इक्विटी शेयर्स को, कि जिससे उनके पास कंट्रोल मेंटेन रहे। तो आपको क्या करना चाहिए, बीइंग इन फाइनेंशियल मैनेजर, जब कैपिटल स्ट्रक्चर को आप डिसाइड कर रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि जो कंट्रोल का रिस्क है ना वो अवॉइड हो सके, ठीक है। तो ये मेन फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशन। सो कैपिटल मार्केट कंडीशन क्या हो गई, बूम होता है, डिप्रेशन पीरियड होते हैं। तो ये बूम और डिप्रेशन पीरियड्स का मतलब क्या हो जाता है कि कभी आपका बिजनेस बहुत बूम पे है, या मार्केट की जो कैपिटल मार्केट कंडीशन है लाइक शेयर्स वगैरह की जो कंडीशन है वो अच्छी है, वो बूम पे है, या डिप्रेशन पे है, मतलब बहुत डाउन जा रही है। तो आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो ना, तो इनकी कैपिटल मार्केट की जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखते हुए डिसाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इस वक्त शेयर मार्केट की जो कंडीशन है वो डिप्रेस्ड है, तो जब डिप्रेस्ड है तो इस सिचुएशन में कंपनी को नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम लगाई जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत डिप्रेस जा रहा है। पर अगर बूम पीरियड पर शेयर मार्केट है, तो इस केस में नए शेयर्स को इशू करके या स्पेकुलेशंस के थ्रू भी अच्छा खासा फंड रेज कर सकती है कंपनी, हाई प्रीमियम वो अर्न कर सकती है। तो इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में आप नए इक्विटी शेयर्स के लिए पोजीशन ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो, तो उस वक्त की मार्केट कंडीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स पोजीशन। टैक्स पोजीशन का मतलब होता है कि कंपनी आपकी किस तरह की पोजीशन होल्ड कर रही है, क्या वो टैक्स सेल्टरिंग चाहती है, मतलब टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए वो रेडी है, मतलब वो टैक्स पे ज़्यादा इंपैक्ट डाल रही है, उसका फोकस टैक्स है। तो उस केस में आपको अपने स्ट्रक्चर में उन चीज़ों को ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी जो आपको टैक्स बेनिफिट देते हों। फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर्स हैं या लोन है, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इंटरेस्ट दिखाने से, एक्सपेंस दिखाने से आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। जब आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी तो आपका टैक्स भी कम पड़ेगा। तो बेसिकली इसीलिए इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है कि ये टैक्स बेनिफिटेड है, ये टैक्स शेल्टर्स सोर्सेज हैं, क्योंकि इनसे टैक्स में बचत होती है। क्यों बचत हो रही है, क्योंकि इनको एक्सपेंस की तरह शो किया जाएगा, इनका क्लेम किया जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाती है तो टैक्स भी आपको कम देना पड़ता है। तो अगर आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको अपने स्ट्रक्चर में डिवेंचर्स के प्रोपोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो टैक्स पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे हैं। तो अगर वो टैक्स शेल्टरिंग चाहते हैं, टैक्स शेल्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहते हैं वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो आपको डिवेंचर्स के प्रोपोर्शंस को, लोन के प्रोपोर्शंस को, बोरोड फंड्स के प्रोपोर्शन को बढ़ाना पड़ेगा और इक्विटीज के प्रोपोर्शन को कम करना पड़ेगा। तो टैक्स पोजीशन क्या है कंपनी की, ये आपके स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करती है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब होता है कि गाइडलाइंस जो आपके लिए, जो आप पे इम्प्लाइड हैं, जैसे कि आप कंपनीज एक्ट आप पे लागू हो रहा है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स हैं, सेबी के रूल्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हो गए, तो आपको इन सभी के नॉर्म्स को फॉलो करने हैं। तो आप उनकी गाइडलाइंस, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किस हद तक फिट होते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रक्चरिंग फ्रेम करेंगे, राइट। नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हमने पहले भी डिसाइड की है, तो जब आप स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपके पास स्ट्रक्चर में ऐसा होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल हो, मतलब आप जब चाहो उसे इंक्रीज कर सको, जब चाहो उसे रिड्यूस कर सको, इतने ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि मान लो रिड्यूस करना है आपको, और आपने सारा इक्विटी से लेके रखा है, अपने स्ट्रक्चर में सारा इक्विटी ले रखा है, तो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने प्रोपोर्शन को ऐसे फिक्स करना पड़ेगा कि अगर आपको रिड्यूस करना है या आपको इंक्रीज करना है, तो आपके पास ऑप्शंस हों। तो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्ट्रक्चर में रहे, आपको वो आप किस हद तक चाह रहे हैं, ज़्यादा या कम, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रक्चरिंग आप फ्रेम करेंगे कैपिटल की। तो आई होप आपको पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे उसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।